नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो इट्स लाइक दो महीने हो गए, दो महीने से चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुई है। सो दो महीने के बाद आई एम हियर बैक अगेन। और आज मैं एक एक्सरसाइज वीडियो लेके आया हूँ, इंटेंस सिक्स पैक एब्स एक्सरसाइज, जिसमें मैं आपको पांच ऐसे डिफरेंट एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगा, उसकी प्रॉपर फॉर्म के बारे में बताऊंगा। और आप मेरे साथ चाहे तो वीडियो को पॉज कर करके आप साथ में कर सकते हैं, अदरवाइज ये वीडियो आगे के लिए सेव कर लीजिए। और जब आपको टाइम मिलेगा, जब आप जिम में जाएंगे या जब आपका मन करे घर में करने का, तब आप कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। हमारी जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज होगी उसको बोलते हैं कैमल क्रंच। उसमें हम क्या करेंगे, इसके हमें करते हैं 20-20 के टू सेट्स। अब ये थोड़ा सा इंटेंस होगा, इसलिए मैं इसमें रेपिटेशंस ज्यादा रख रहा हूं और सेट्स जो है वो कम रख रहा हूं। तो हमारी पहली एक्सरसाइज थी कैमल क्रंच। आवाज आ रही है नहीं आ रही, मैं फिर से बोल देता हूं कि हमारी पहली एक्सरसाइज थी कैमल क्रंच। अब हम करेंगे हमारी सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज के लिए हमें प्लेन रिलैक्स पोजिशन में आना है, ठीक है। सबसे पहले तो रिलैक्स करना है, उसके बाद हमारे दोनों हाथ ऊपर जाएंगे और जब हम लोग क्रंच करेंगे तो हम हमारे ओब्लिक्स के लिए करेंगे, लाइक दिस। सेकेंड लेग, ऐसे ही हमें ट्रांजिट करते रहना है, लेफ्ट देन राइट, राइट देन लेफ्ट। 10-10 करके हम सेट्स डिवाइड करेंगे, जिसमें हम 20 लेफ्ट साइड के लेंगे और 20 राइट साइड के लेंगे। दो सेट 20-20 रेपिटेशंस के, दो दो सेट करेंगे, ठीक है। अब बारी हमारी थर्ड एक्सरसाइज की। थर्ड एक्सरसाइज भी बहुत सिंपल है, हमें सबसे पहले तो रिलैक्स करना है, उसके बाद हमारे जो हाथ हैं, हमारे फिंगर्स हमारे फोरहेड पे आएंगे और हमें बिल्कुल क्राउच करना है। कैसे, जब हम नीचे जाएंगे तो हमें पूरा स्ट्रेच करना है, नीचे और ऊपर अच्छे से रिफ्लेक्स किया, क्राउच। ये थे हमारी थर्ड एक्सरसाइज, इसके हम 20-20 के तीन सेट करेंगे, 20 रेपिटेशंस, थ्री सेट्स। अब बारी हमारी फोर्थ एक्सरसाइज की, प्लेन और सिंपल लेकिन इंटेंस। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमने जो सबसे पहली एक्सरसाइज की थी कैमल क्रंच, हमें वैसी पोजीशन लेनी है इस बार। लेकिन इस बार डिफरेंस ये होगा कि हम कैमल क्रंच ना करके हम ट्विस्ट करेंगे। रेपिटेशंस जो है वो थोड़े से हम बढ़ाएंगे, हम कितने करेंगे, 25 लेफ्ट 25 राइट, इसके दो दो सेट। अब हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है बहुत सिंपल है और ये एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें क्या करना है, प्लैंक्स हमें डेढ़ डेढ़ मिनट के होल्ड लेने हैं, इसमें
डेढ़ मिनट मतलब 90 सेकंड्स के हमें तीन सेट्स लेने हैं प्लैंक्स के, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप इसको अपने वर्कआउट के बाद, ये एक्सरसाइज अपने वर्कआउट सेशन के बाद जब आप कूल डाउन करते हैं वहाँ पर ये एक्सरसाइजेस यूज कर सकते हैं, और काफ़ी इंटेंस है। और जैसा कई बार होता है ना, लोग कहते हैं कि आपको एब्स डेली नहीं करनी चाहिए, मैं आपको रेकमेंड करूँगा आपकी जो एब्डोमिन एरिया होता है ना, ये भी एक मसल है, ठीक है। जैसे आपके बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स हैं, चेस्ट है, लेग्स है, बैक है, जैसे डिफरेंट मसल्स होती हैं, वैसे ही एब्स भी आपके एक इम्पॉर्टेंट मसल है, आपकी कोर मसल है, आपकी बॉडी की ओवरऑल जो स्ट्रेंथ होती है उसके लिए आपकी एब्डोमिन मसल बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर आपकी कोर में स्ट्रेंथ नहीं है, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होगी। तो हमें क्या करना है, हमें हमारे जो एब्स हैं, हमें डेली ट्रेन करना है। ये वाली जो इंटेंसिटी मैंने आपको बताई, ये वीक में 2 दिन आप कर सकते हैं। उसके अलावा आपको अपने कूल डाउन में वर्कआउट के बाद आपको थोड़ी थोड़ी एब्डोमिन एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं हमारी इस वीडियो को एंड करता हूँ। आने वाली अगली और भी डिफरेंट और मैं बोलूँगा इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिलेगी। सो तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।